हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग एक लेक्चर देखा था, तो आज के इस लेक्चर में भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके बारे में देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका अपना खुद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये देखेंगे हम। साथ में ये जो हमारे इम्पोर्टेंट कुछ जो अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, वो देखेंगे। तो मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं। क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर कंटेंट, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, सेल्फ कंट्रोल, टीचर्स बिहेवियर, मैनेजिंग द ऑड स्टूडेंट्स बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, टीचिंग एड्स एंड कंट्रोल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, आप ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो क्लासरूम मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, बट मैंने छोड़ दिए, तो आप उनको जरा देखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि टीचर कैसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर पाता है। कंट्रोल का मतलब आप उसे नेगेटिव वे में ना ले, एक पॉजिटिव वे में ले। देखिए, क्लासरूम में कंट्रोल होना स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्लासरूम में एक एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा जिसमें स्टूडेंट सीख सके, सभी स्टूडेंट सीख सके, तो टीचर का रोल वहां पे जीरो हो जाता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लासरूम मैनेजमेंट का, एक तरह से कंट्रोल, बट ये कंट्रोल एकदम पॉजिटिव सेंस में है। टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स को अपने वे में कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर्स जो है क्लास का सेनापति है और स्टूडेंट जो है वो जो कहेगा ऐसा मानेंगे, नहीं। ये कंट्रोल एकदम अलग कंट्रोल की तरह से लिया जाए, कि कंट्रोल में मतलब है कि क्लासरूम में फैकल्टी आता है, टीचर्स आता है, तो कैसे वो उनके नेगेटिव, अगर कोई स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट भी करता है, तो कैसे क्लासरूम को कंट्रोल में लेता है। कभी आपने देखा होगा क्लासरूम में नॉइजी इन्वायरमेंट हो गया है, स्टूडेंट सब शोर मचा रहे हैं, तो कैसे फैकल्टी या टीचर किस तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लास को कंट्रोल में लाता है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी आप क्लासरूम में कोई फैकल्टी ने पढ़ाया तो एक किसी स्टूडेंट ने जो बोल दिया या किसी तरह का कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो क्लास के अंदर एक बहुत अलग तरह का एक रूड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, तो वो कैसे फैकल्टी सभी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर वे में कैसे कंट्रोल करता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देन क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर कंटेंट। यहां पे कंटेंट से मतलब है कि फैकल्टी कैसे कंटेंट का, उसकी अपनी खुद का कैसे कंटेंट के ऊपर मास्टरी है, यानी एक सब्जेक्ट नॉलेज है। तो कंटेंट यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज को शो करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स फैकल्टी का कितना कंटेंट के ऊपर मास्टरी है, कितना ही उसके पास नॉलेज है, ये बहुत होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फैकल्टी को अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई मास्टरी नहीं होगी या उसको उसका सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं होगा, तो हमारे लिए या स्टूडेंट्स के लिए वो एकदम बेकार है, और टीचर का उसको क्लास में इन्वॉल्वमेंट होना भी बेकार है। ठीक है, देन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लैरिटी होना टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस वे में वो कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाता है, जैसे सपोज करिए स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन वो जाहिर सी बात है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही पूछेगा, तो स्टूडेंट के क्वेश्चन के बाद उसका कैसे रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से उसका खुद का अपना कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर मास्टरी है, कंटेंट के ऊपर अपना सब्जेक्ट नॉलेज है, वो कैसे स्टूडेंट्स को बताता है, ये बहुत जरूरी है। तो क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट और क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर द कंटेंट। देन नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। टीचर कैसे स्टूडेंट्स को अपने अंदर अपने क्लासरूम में इन्वॉल्व करता है, किस तरह से स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है, कैसे टीचर्स उस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, क्वेश्चनिंग का स्किल होना हर फैकल्टी के लिए, हर टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछने के बाद स्टूडेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करता है क्लासरूम में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देन इन्वॉल्वमेंट होना क्लासरूम के अंदर बहुत जरूरी है। देन पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का भी और फैकल्टी का भी। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज होती है क्लासरूम के अंदर जहां पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स को कैसे वो पार्टिसिपेट कराता है क्लासरूम में, किस तरह से वो डिस्कशन कराता है एक पर्टिकुलर डिबेट के ऊपर, तो ये क्लासरूम के अंदर होना बहुत जरूरी है। और इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिली है या नॉलेज फैकल्टी ने भेजा है, किस वे में भेजी है। तो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना, टीचर का पार्टिसिपेशन होना
बहुत जरूरी है। देन सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल टीचर के लिए भी एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए दोनों है, क्योंकि काफी बार ऐसे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स स्टूडेंट्स करते हैं टीचर के सामने, तो उस सिचुएशन में टीचर कैसे सेल्फ कंट्रोल करके स्टूडेंट्स को बताता है कि काफी बार ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हुआ है, होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि स्टूडेंट ने ऐसा एक कमेंट कराया या ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि टीचर को सुनते ही बहुत गुस्सा आता है, बट फिर भी टीचर अपने को ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके कैसे उस सिचुएशन से निकल कर पूरी क्लासरूम को निकालता है, किस कैसे बताता है, तो ये भी बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल फॉर द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट ऑल्सो। अब आएगा स्टूडेंट कैसे, पार्टिसिपेशन हो रहा है क्लासरूम में, डिस्कशन हो रहा है या डिबेट हो रहा है, तो सामने वाला कुछ ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट करता है, बोलता है जो कि पूरी क्लासरूम के लिए अच्छा नहीं है, तो बट फिर भी स्टूडेंट्स उस डिबेट में पार्टिसिपेट करके ये शो करते हैं कि अगर हमारे सामने हमारे फ्रेंडली कलीग कुछ ऐसी सिचुएशन को रखेंगे तो हम कैसे उस सिचुएशन से पूरी क्लासरूम को, साथ में अपने को बचाएंगे। देखिए एग्रेशन होना किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए एकदम नेगेटिव वे में लेता है, नेगेटिव इंपैक्ट में आता है, तो कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स निकलेंगे ये भी इसमें पता पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल में। ठीक है, द नेक्स्ट है टीचर बिहेवियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे टीचर बिहेवियर लिखा है, बट यहाँ पे स्टूडेंट बिहेवियर एज वेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे टीचर का बिहेवियर क्लासरूम को, पर्टिकुलर क्लास को आगे बढ़ाने में, उसकी मैनेजमेंट में करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर्स बिहेवियर का होता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में आपने देखा है कि बहुत से ऐसे फैकल्टीज होते हैं जिनके क्लास में हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, और कुछ ऐसी फैकल्टीज होती है जिनकी क्लासरूम को जस्ट लाइक मतलब एक तरह से बोला जाए कि आप उसको जस्ट लाइक एक ऐसा कर रहे हैं कि मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो टीचर का बिहेवियर ये क्लासरूम को बताता है, क्लासरूम को शो करता है कि फैकल्टी टीचर्स कितने वहां पर अटेंटिव हैं। देन मैनेजिंग द ऑड स्टूडेंट्स बिहेवियर, देखिए मैनेजिंग द गुड स्टूडेंट्स बिहेवियर ये तो बहुत इवन बहुत इजी बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट फैकल्टी के टीचर्स के अपने खुद के गुड स्टूडेंट्स होते हैं, और किसी को वो बैड स्टूडेंट्स ही बोलता है। देखिए बैड स्टूडेंट्स वैसे एक्चुअली में टैग होता है फैकल्टी के द्वारा, बट जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं उनके लिए क्लासरूम में कोई बैड टीचर होता ही नहीं, बैड स्टूडेंट्स होता ही नहीं है, तो कैसे वो ऑड स्टूडेंट्स के बिहेवियर को एक तरह से कंट्रोल करके स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव लेकर आते हैं, पॉजिटिवनेस लेकर आते हैं, वो शो करता है टीचर का एटीट्यूड। तो टीचर का एटीट्यूड से ही सारी चीजें क्लियर होती है क्लासरूम के अंदर। टीचर जितना टीचर का एटीट्यूड अच्छा होगा क्लासरूम के सामने सभी को रखना होगा, स्टूडेंट्स का बिहेवियर उतना ही अच्छा होगा। तो अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि टीचर्स केवल उसी टाइम ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को टाइम दे क्लासरूम टाइम में, अगर वो क्लासरूम से बाहर भी अगर टाइम देता, क्लासरूम से बाहर का मतलब ये नहीं है कि उनको ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दे, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर फैकल्टी कभी भी फ्री होता और स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमको एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए इसके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो वो पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी टीचर अवेलेबल करा दे एडमिनिस्ट्रेशन को बोलकर कि मैं इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स के लिए फ्री हूं, अगर मेरा आप पर्टिकुलर पीरियड इसमें भी शिफ्ट कर देंगे तो भी मैं क्लासरूम को मैनेज कर लूंगा या क्लासरूम को जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में अगर 80 से 90 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और केवल 20 से 30 स्टूडेंट्स अगर बहुत अच्छी तरह चाहते हैं कि सर कि आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टाइम पे इतना अटेंटिव नहीं थे, या फिर हमको ज्यादा मेहनत जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और फ्लेक्सिबिलिटी टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन के अंदर है, ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर टीचर ही बोले, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कि स्टूडेंट्स को भी उतना ही एक तरह से अधिकार है किसी क्लासरूम में अपने क्वेश्चन पूछने का जितना टीचर को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है स्टूडेंट्स को। ओके, देन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। क्लासरूम के अंदर हम टीचर कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को रखता है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी क्लासरूम में कि आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट पूरे क्लासरूम के सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते या फिर उन चीजों से बचते हैं, तो कैसे वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके कुछ ऐसा चीज करता है टीचर जिससे कि स्कूल के क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो जाए और सभी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्लासरूम के लिए बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एड्स। अब देखिए टीचिंग एड्स का मतलब यह है कि किस तरह से क्लासरूम को मैनेज करने के लिए हम एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि आज की
जमाने में सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्निकल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशंस हैं, हमारे क्लासरूम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के टीचिंग एड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे चार्ट्स पेपर अवेलेबल हैं, साथ में हमारे एक तरह से प्रेजेंटर अवेलेबल है। तो कैसे प्रेजेंटर की हेल्प से हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज उसको दे सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में फैकल्टीज को डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर स्टूडेंट्स को नॉलेज दे सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 9 to 10 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए थे। और क्लासरूम मैनेजमेंट किसी भी क्लास के लिए बहुत आवश्यक होता है, इतना मतलब क्लासरूम को मैनेज करना सबसे पहला रोल होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लासरूम कंट्रोल को देखा, कैसे की फैकल्टी एक क्लासरूम कंट्रोल कैसे करेगा। क्लासरूम कंट्रोल से मैंने बोला है कि इसको नेगेटिव वे में ना ले, कि ऐसा नहीं कि केवल टीचर ही टीचर एक तरह से सेल्फ डोमिनेट हो, नहीं। क्लासरूम कंट्रोल का मतलब है स्टूडेंट डोमिनेट एज वेल एज अ टीचर डोमिनेट, बट हमको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है क्लासरूम के अंदर जिसमें सभी को एक तरह से फ्रेंडली एनवायरमेंट मिले। देन क्लैरिटी एंड मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट और एज वेल एज द कंटेंट। देन हमने पढ़ा इन्वॉल्वमेंट का, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन का एज वेल एज द टीचर पार्टिसिपेशन। देन सेल्फ कंट्रोल फॉर द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज टीचर बिहेवियर एज वेल एज द मैनेजिंग द स्टूडेंट मैनेजिंग द ऑल स्टूडेंट्स बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेंडली एनवायरमेंट एज वेल एज द टीचिंग एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के। हर साल क्लासरूम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन हमेशा आता है, आप देखेंगे लास्ट पीवीसी क्वेश्चन पेपर को उठा के, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। आप अपने कमेंट रखिएगा यूट्यूब में, मैं जरूर उनको देखूंगा। और काफी स्टूडेंट ने बोला कि सर आप हमारे मेल का जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए सर स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत मेल आते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 to 40 स्टूडेंट्स के मैं मेल का जरूर जवाब देता हूँ। अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं 3 to 4 दिन बाद भी जवाब दे, इवन मैंने 1 वीक बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स को जवाब दिया है। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कि मैं 3 वीक के अंदर उसको पर्टिकुलर उसके जवाब को दे सकूँ, बट फिर भी मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं उसको जवाब आपको देता हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे मेल करिएगा या फिर यूट्यूब पे कमेंट पे तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका भी जवाब वो दे सकते हैं। ओके, तो ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। और स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप प्लीज़ अच्छी तरह मेहनत करिए। ओके, मेरे विशेष आपके साथ हैं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।